हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज आरके शर्मा फ्रॉम इंग्लिश वर्ड। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ पास्ट परफेक्ट टेंस। आज जी हाँ दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में। इसके पहले मैंने आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ के पढ़ाया था, अच्छे समझाया था। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो पास्ट परफेक्ट टेंस। उससे पहले यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी सब्सक्राइब करें एंड साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस मतलब कि भूतकाल पूर्णकाल, मतलब ये कि अतीत के समय में, बीते हुए समय में यदि कोई क्रिया पूर्ण हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है, तो ऐसे सेंटेंस जो होते हैं उनको पास्ट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत लिया जाता है। देखते हैं इसकी हिंदी पहचान। इसकी जो हिंदी पहचान होती है वो होती है वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि वाक्यांश आते हैं। मतलब जब किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि वाक्यांश आते हैं तो ऐसे वाक्यों को पास्ट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत लिया जाता है। इनकी अंग्रेजी बनाने के लिए या इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब हेड का प्रयोग करेंगे। सभी सब्जेक्ट के साथ में हेड ही आपको लगाना है, हेड का प्रयोग करना है एंड हेड के साथ हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। वर्ब थर्ड को हम लेंगे यहाँ पर। अब जो हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस बनेगा वो किस प्रकार से बनता है, आइए देखते हैं। फॉर द अफर्मेटिव सेंटेंस सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लेना है, सब्जेक्ट के बाद में हमें हेल्पिंग वर्ब लेंगे। चूंकि हमारे पास एक ही हेल्पिंग वर्ब है हेड, इसलिए हम सभी के साथ हेड का ही प्रयोग करने वाले हैं। देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड। आपके सेंटेंस इस प्रकार से बनेंगे, जैसे मैं एक पत्र लिख चुका था। आई हैड रिटन ए लेटर, आई हैड रिटन ए लेटर। ठीक है, नेक्स्ट हम मैच जीत चुके थे। वी हैड ऑन द मैच। नेगेटिव सेंटेंस की बात करें तो नेगेटिव सेंटेंस मैंने आपको पहले भी बताए हैं कि नेगेटिव बनाने के लिए हमें कुछ नहीं करना होता है, केवल हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट लगाते हैं। देखते हैं नेगेटिव स्ट्रक्चर। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लेंगे, देन हेल्पिंग वर्ब, देन नॉट, देन वर्ब थर्ड, देन ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड। आपके सेंटेंस इस प्रकार रहेंगे, जैसे वह फूल नहीं तोड़ चुकी थी। सी हैड नॉट प्लग्ड द फ्लावर। मैं झूठ नहीं बोल चुका था। आई हैड नॉट टोल्ड अ लाई। आगे हम देखते हैं इंटरगेटिव। इंटरगेटिव मतलब कोई कंफर्म सेंटेंस किस प्रकार से बनाया जाता है। तो इंटरगेटिव बनाने के लिए हम सबसे पहले हेड का प्रयोग करेंगे, हेल्पिंग वर्ब, चूंकि हेल्पिंग वर्ब हमारी हेड है इसलिए हम सबसे पहले हेड को लेंगे। हेड के बाद सब्जेक्ट, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड, एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी आपको लगाना है। सेंटेंस देखें, जैसे क्या वह सो चुका था। हैड ही स्लेप्ट। क्या वह सो चुका था। क्या पिताजी बाजार जा चुके थे। हैड फादर गोन टू द मार्केट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बनाते हैं क्वेश्चन वर्ड से, जिसमें WH वर्ड्स का प्रयोग किया जाता है। देखते हैं क्वेश्चन वर्ड कैसे बनेंगे। सबसे पहले आपको क्वेश्चन वर्ड लगाना है, प्लस हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब थर्ड, देन ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड, एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। जैसे आपके सेंटेंस रहेंगे, आप बाजार से क्या ला चुके थे। What had you brought from the market? वह अंग्रेजी कैसे सीख चुका था। How had he learned English? मेरा दोस्त कितने पैसे खर्च कर चुका था। How many rupees had my friend spent?
टेन स्पेंट। उम्मीद है मुझे आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। यदि आपको अच्छे समझ में आया तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।